जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। ड्रोन यानी आधुनिक युग का वह टेक्नोलॉजी जिसमें सभी देश का भविष्य टिका हुआ है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जीतेगा वह विश्व में राज करेगा। खास करके अभी जितने भी डिफेंस है सब ड्रोन टेक्नोलॉजी में वेपन तैयार कर रहे हैं, अपनी फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और रिसर्च R&D ड्रोन में कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ड्रोन में वह देश काम कर रहे हैं जिसका आज तक किसी तुर्की का ड्रोन, इजराइल का ड्रोन, ईरान जैसे देश का ड्रोन, जो रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश का ड्रोन को फेल कर दे रहा है। मतलब कि आप सोचिए कि ड्रोन कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और NIT जमशेदपुर इसमें बहुत अधिक सहयोग कर रहा। वह स्टूडेंट जिसका कैप्टन है, मेरा नाम अतुल किशन है, अतुल, लेकिन उसके साथ वह टीम, या टीम का काम करने का बेसिक आप पहले समझिए। जूनियर स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट मिलके बनाए हैं प्रोजेक्ट। कोई फैकल्टी या कॉलेज या कोई कॉर्पोरेट, कोई R&D वाले नहीं, वही स्टूडेंट अपने में रिसर्च तैयार करते हैं, अपने में रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं और रिसर्च को सक्सेस के लिए उस माइंड को खोज लेते हैं। आखिर ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत में कितना विकसित है यह भी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो रहा है अभी तक डिफेंस में उतना हाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है। हमारे कल का ही न्यूज है कि भारत देश कुछ ड्रोन परचेज कर रहा है, लेकिन ड्रोन में अभी भी आत्मनिर्भर भारत नहीं हुआ है। जो देश तुर्की, जो देश इजराइल हुआ है उस हिसाब से आत्मनिर्भर नहीं हुआ। और हम इस बच्चे को शाबाशी देते हैं, खुश करते हैं कि जिन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह काम किया है। अब बात करते हैं कि ड्रोन में क्या क्या चीज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रोन क्योंकि आपको एक ऐसा सिस्टम को ऊपर लेके जाना पड़ता है एयर में कि ये बहुत क्रिटिकल है। अगर आप डिफेंस में एक सेक्टर में बात करें डिफेंस में तो वार चाहिए, क्योंकि आप ड्रोन को ऊपर ले रहे हैं और वार हेड चाहिए। तो क्या ड्रोन आप जो बना रहे हैं उसमें कितना सक्सेस है? ये ड्रोन 3 से 4 किलो का वजन उठा सकती है। नॉर्मल जो ड्रोन है, क्योंकि आप इसमें R&D करने के बाद सब ड्रोन को रिसर्च किए होंगे, तो नॉर्मल जो ड्रोन है, हम सिर्फ इंडिया के बात नहीं कर रहे, कितना पेलोड उठा कर लेके जाए? नॉर्मल ड्रोन अपने वजन से दुगना उठाने की कोशिश करती है दुनिया के किसी भी ड्रोन। लेकिन यह जो ड्रोन बनाया गया है इसमें 3 गुना, 10 kg का अगर ड्रोन है, सही, 10 kg का ड्रोन है तो 30 kg, मतलब 30 kg ऊपर वह सामान ले सकता है। चाहे उसको आप युद्ध में यूज कीजिए, चाहे उसको मेडिकल फील्ड में यूज कीजिए, चाहे उसको कोरियर में यूज कीजिए, चाहे उसको एग्रीकल्चर में यूज कीजिए, यूज ड्रोन का बहुत है। नेक्स्ट बताइए। ये ड्रोन हमने बनाया था, सर्वेलेंस ड्रोन है ये। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 3 फीट से भी छोटे बक्से में समा जाता है और 120 सेकंड लगते हैं इसे बक्से से निकालकर उड़ने वाली स्थिति में लाने के लिए। और ये काम बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। सर्वेलेंस ड्रोन्स को छोड़ा जाता है रात के अंधेरे में, कम समय में उसे निकाल कर असेंबल करके उसे छोड़ा जाता है ताकि वो दुश्मन के हिस्से में जाकर वहाँ के सर्वेलेंस कर सके। इसमें और क्या रैली हो सकता है? बेसिकली ड्रोन्स का फायदा यह है कि रडार उसे पकड़ नहीं सकता। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट बताइए। रडार उसे पकड़ नहीं सकता तो इसीलिए ये एनिमी टेरिटरी में बहुत इजीली एंटर एंड एग्जिट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि हम लैंड मैपिंग कर सकते हैं, इससे लैंड का टेरेन कैसा है, वाटर लेवल क्या है, ताकि क्रॉपिंग के पहले आपको अंदाजा लग जाए कि उससे यील्ड कितना मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप एयर सर्वेलेंस से जॉब कर सकते हैं। मरीन टाइम में यूज़ कर सकते हैं ये, कि मरीन, जैसे हमें पता है कि ताज होटल में जो हमला हुआ था वो लाइक टेररिस्ट घुस गए थे वाटर वे में, हम वाटर बॉर्डर्स को सर्वे कर सकते हैं पूरे तरीके से, जो कि नॉर्मली ह्यूमन बोट से पॉसिबल नहीं है कि आप बड़े एरिया को एक टाइम पर देख सके, जो कि यह ड्रोन कर सकता है।
अच्छा शुरुआत है और शुरुआत का रिजल्ट भी इन लोग को मिल चुका है। सिर्फ ड्रोन एयर के लिए जरूरत नहीं है, ड्रोन जो हम चाहेंगे कैप्टन को कि सिर्फ डिफेंस के लिए ड्रोन नहीं होना चाहिए, डिफेंस के साथ साथ एग्रीकल्चर जिसमें सामान ढोने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पुणे में कोई ड्रोन बना है जिसमें आपको पेशेंट को भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए भी काम हुआ है। हम चाहेंगे कि मेडिकल फील्ड में भी आप ड्रोन का उपयोग कीजिए, नया नया मॉडल दीजिए, क्योंकि यह मॉडल के लिए कंपनी ललाहित है और आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और नया टेक्नोलॉजी का सृजन होगा। हम चाहेंगे कि NIT जमशेदपुर का वह टीम इसमें काम करे। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।